क्लास 5 SST चैप्टर 15 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC द एजुकेटेड इंडियंस लाइक लॉयर्स डॉक्टर्स एंड जर्नलिस्ट बिगेन टू रियलाइज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कीप द इंडियंस पुअर एंड बैकवर्ड। जो शिक्षित भारतीय थे जैसे अधिवक्ता डॉक्टर पत्रकार ये सबको अब अनुभव होने लगा था जो ये अंग्रेज सरकार जो है वह चाहता है भारतीय गरीब रहे और पिछड़ी रहे। दे डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज डेट वुड हेल्प यूनाइटेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। अंग्रेजी नीति के विरुद्ध उन सब ने निर्णय लिया जिसके विरोध में एक संगठन तैयार किया जो हमारे भारतीयों को एकजुट कर सके। एज ए रिजल्ट इन 1885 एलान ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद द हेल्प ऑफ सम एजुकेटेड इंडियंस। जिसका परिणाम हुआ 1885 में कुछ जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। वह 85 में एलान ऑक्टेवियन एओ ह्यूम ने यह पार्टी की स्थापना की जिसका नाम दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। प्रथम सत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सत्र का शुरुआत बॉम्बे में हुआ जो अभी जिसका नाम मुंबई है। WC बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। WC बनर्जी जो प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने राष्ट्रपति रहे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। भारत का प्रथम राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस था। सम ऑफ द मेजर लीडर ऑफ द INC वेयर गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी जी बाल गंगाधर तिलक बदरुद्दीन तैयब जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब उसके बहुत बड़े नेता थे नेशनल कांग्रेस के। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियन बी अपॉइंटेड टू हाई पोजीशन एंड इंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ड्रेन्ड द ऑफ वेल्थ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार से अपना मांग किया जो भारतीयों को उच्च स्थान पे नियुक्त करे और जो विषमताएं हैं भेदभाव हैं वो सब को समाप्त करे और धन को जैसे तैसे बर्बाद ना करे। हाउ एवर द ब्रिटिश पेड लिटिल हीड टू देयर डिमांड। जबकि ब्रिटिश कुछ मांगों को के लिए तैयार हुआ। दे कंटिन्यूड देयर क्रूअल पॉलिसीज। वे लगातार इस क्रूर नीति को के विरुद्ध लड़ते रहे। लीडर सच एज बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल वांटेड इमीडिएट एक्शन। कुछ नेता ऐसे भी थे जो चाहते थे जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए जैसे बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र। ये चाहते थे जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए। दे बायकॉटेड इंग्लैंड मेड क्लॉथ एंड प्रोमोटेड इंडियन क्लॉथ। उन्होंने इंडिया में एक नियम बना दिया जो जितने भी विदेशी इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा है उसको बहिष्कार करे और इंडिया में बनाए गए कपड़े का उपयोग करे। दे रिजेक्ट इंग्लिश स्कूल। उन्होंने इंग्लिश स्कूल को भी रिजेक्ट किया एंड प्रोमोटेड इंडियन एजुकेशन और भारतीय एजुकेशन का को बढ़ावा दिया। तिलक वांटेड द कॉमन पीपल टू बिकम ए पार्ट ऑफ द मूवमेंट एज द फेल्ट दैट नथिंग वुड हैपन विदाउट देम। तिलक चाहते थे वह सामान्य लोग भी उस आंदोलन में भागीदार बने और बिना कुछ किए वो भी उसको ना करने के लिए उत्साहित करे। एट द टाइम पास द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसीव्ड ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम द इंडियंस। इस तरह से समय गुजरते गया भारतीय नेशनल कांग्रेस जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने भी इंडियनों से सहायता मिला।
आज इतना ही, फिर अगले क्लास में।